गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी और एक्सरसाइज 1.1 को मैंने आपको सॉल्व कराया था, ऐसे ही आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 करेंगे सॉल्व। और उससे पहले हम जो है इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जिसमें क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था, 1/2, 3/4 या 5/7 कोई भी नंबर ऐसे होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अब देखो बुक में डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है, नॉट रैशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। इट मीन्स इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। हमारी बुक में जो पेज नंबर फाइव उसके लास्ट में जो नीचे जो डेफिनेशन है वो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जैसे एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें दिया एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, यस। एवरी रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर किन से मिलकर बनते हैं? रियल नंबर से ही मिलकर बनते हैं, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सेकेंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। ये फॉल्स आएगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होते नंबर लाइंस के ऊपर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। जैसे मैंने लिया अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ऐसी फॉर्म में नहीं होते, कंप्लीट नंबर की फॉर्म में भी होते हैं हमारे पास। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये भी फॉल्स आएगा। इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल नंबर। जैसे फर्स्ट वाला थर्ड वाला एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर ट्रू, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल, आंसर क्या आएगा इसका? नो, कि स्क्वेयर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई भी इंटीजर लिया, क्या सभी का इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वेयर रूट करते हो, क्या वो इरेशनल है? जैसे मैंने यहाँ पर अभी कोई नंबर नोट कर लिया, नंबर नोट क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पर आपने कोई भी नंबर नोट स्क्वेयर रूट फॉर्म में किसी भी नंबर्स का, जैसे यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है 9 का स्क्वेयर रूट, 9 का स्क्वेयर रूट क्या बन गया? 3 हमारे पास रैशनल नंबर है, इरेशनल थोड़ी है ये तो रैशनल नंबर है, इसको हम 3/1 ले सकते हैं। और लेकिन ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर 9 हमारे पास एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है, उसका मैंने स्क्वेयर रूट लिया है, उसका जो स्क्वेयर रूट करने के बाद क्या आ गया? 3। ऐसे 16 का स्क्वेयर रूट लिया, क्या आ गया? 4 हमारे पास क्या है? रैशनल है। ये भी क्या है? रैशनल है, इरेशनल नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नो। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ द अंडर रूट 5 कैन यू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइंस। अंडर रूट 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइंस के ऊपर? ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ और आप सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है। जैसे आपके पास लोकेट एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइंस। अंडर रूट 2 को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हमने क्या लिया कि हमने जो नंबर लाइंस ली है उसके ऊपर नंबर ड्रा कर दिए, जैसे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3।
अब हमने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, रूट टू। इसमें इट इज़ ईजी टू सी हाउ द ग्रीक माइट हैव डिस्कवर्ड अ रूट टू। कौन सा द स्क्वेयर ए ओ ए बी सी, हमने ओ ए बी सी ओ ए बी सी एक स्क्वेयर लिया विद ईच साइड वन यूनिट इन द लेंथ, वन यूनिट जैसे यहाँ से जीरो से वन, यहाँ पर वन है ए पॉइंट्स के ऊपर, ये वन, और हाइट भी हमने वन ले ली है, वन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ये 90 का एंगल है यहाँ पर। तो वन का स्क्वेयर रूट और वन का स्क्वेयर करोगे, वन का स्क्वेयर और वन का स्क्वेयर दोनों को ऐड करोगे, पाइथागोरस का यूज़ करोगे, तो हमारे पास जैसे ओ ए बी के अंदर अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों वन वन है तो वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने ओ बी निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये अंडर रूट टू। तो इसमें क्या दिया, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अंडर रूट टू, अंदर अंडर नंबर लाइन्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास। ऐसे ही अगर आपने नेक्स्ट जैसे रूट आपने फाइव निकाल, रूट थ्री लिया, जैसे एग्जाम्पल नंबर थ्री है ये, रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन्स सेम 0 1 2 3, इधर भी 1 2 3, माइनस के हैं इधर ये प्लस के हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जैसे ये 0 2 1, ये 1 है आपके पास और ये क्या है 1, 1 और 1 का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो हमारे पास रूट टू। अब यहाँ पर ऐसे देखोगे इसको, ये रूट टू है, ये बेस हो गया, फिर दोबारा से 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे हेल्प ऑफ द स्क्वायर की हेल्प से, तो यहाँ पर ये 1 है, तो अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, दोनों का ऐड करोगे, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर ये रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और 2 प्लस 1 3, अंडर रूट 3 आ जाता है हमारे पास। और इसमें भी हमने क्या करना है, कंपास की हेल्प से 0 और जहाँ पॉइंट बी है यहाँ पर रखकर आपने आर्क लगानी है, जहाँ पर भी कट करता है ये नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा रूट टू। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 में यहाँ पर कंपास की नोक रखनी है, और यहाँ पर अगर आपने रूट टू शो करना है तो बी पॉइंट पर आर्क लगानी है, अगर आपने रूट थ्री को शो करना है तो रूट डी पॉइंट पर आर्क लगा के इस लाइन के ऊपर मैच करना है, यहाँ पर पॉइंट हमने ड्रा करना है नंबर लाइन्स के ऊपर। ऐसे ही आप रूट फाइव को शो कर सकते हो, रूट फाइव को शो करने के हमारे पास जो मेथड और भी हैं, जैसे हमने नंबर लाइन्स लिया है अंडर रूट फाइव को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, कैसे करोगे मैं आपको एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये लाइन ली है हमने, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे इधर से -1 -2 -3। अब हमने शो क्या करना है, रूट फाइव, रूट फाइव का मीनिंग क्या होता है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। हम यहाँ से ले सकते हैं, ये नीचे से हमने बेस ले लिया है 2, यहाँ पर हेल्प ऑफ कंपास और स्केल की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रा करो, और इन स्केल के इक्वली आपने 1 सेंटीमीटर कट करना है, इसको मिलाओगे तो यहाँ से आपको पता है ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 2 2 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर कट करोगे तो इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे तो हमारे पास ये रूट फाइव जहाँ पर भी कट करे, क्योंकि ये हो गया 0 से 2 तक का नंबर ये 2 लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो गई 1 यूनिट, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, इट मींस 4 प्लस 1, इट मींस अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास रूट 5 बन जाता है। और यहाँ कंपास की नोक रख के आपने यहाँ से आर्क लगानी है, और जहाँ पर भी कट करेगा ये रूट 5 आ जाएगा आपके पास पॉइंट्स अंडर नंबर लाइंस के ऊपर, ये ठीक है। सेम ऐसे ही आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, कॉपी पर बनाना है एग्जांपल की हेल्प से, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व है, एक्टिविटी आपके पास, इसको आपने पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 को आपने करने से पहले आप थोड़ी सी बेसिक बातें देख लो इसमें, ये एक्सरसाइज 1.3 को आपने कैसे करना है कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में इसको सॉल्व करना है, डेसिमल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, 3 एग्जांपल है ये बुक में, 10/3 7/8 1/7, इनको सॉल्व करना है और डेसिमल एक्सपेंशन में नोट करना है। सिंपली डिवाइड करना है अपने इसको, जैसे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 9 10 में से 9 माइनस करोगे तो अगेन 1 0 पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, ऐसे जो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होएगा 3 3 3 3। उसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल है 7/8, इट मीन्स 7 को आपने 8 से डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करोगे, जैसे जाता नहीं इसके ऊपर ये, तो 8 7 जो 8 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा 8 8 ज़ा 64, सब्ट्रैक्ट करोगे 6 0, 8 7 ज़ा फिर 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर
जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं, इसमें रिमाइंडर वन है, ही कंटिन्यू रहेगा अभी। अभी आप इसमें देखना पहले जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे वन को करना है सेवन से डिवाइड, जब सॉल्व करोगे तो 1 4 2 8 5 7 1 8 4 2 7, जैसे यहाँ पर वन था हमारे पास, जहाँ पर भी सेवन था 30 आ गया, फिर 28 सब्ट्रैक्ट करोगे 20 आ गया, 14 माइनस करोगे 60, अगेन 40 में से 35 माइनस करोगे 5 0 49, तो ये हमारे पास चलता जाएगा ऐसे। तो जो फर्स्ट वाला केस था उसमें रिमाइंडर कितना आया है, 1 1 1, और सेकंड वाले केस में रिमाइंडर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0। देखो रिमाइंडर यहाँ पर 6 था, यहाँ पर हमारे पास फिर रिमाइंडर 4 आया, फिर 0 आ गया, डिवीज़र 8 है। ऐसे ऐसे में रिमाइंडर फर्स्ट टाइम 3 आया है रिमाइंडर, सेकंड टाइम 2 रिमाइंडर आया है, थर्ड टाइम 6 रिमाइंडर आया है, फिर रिमाइंडर 4 आया है, फिर रिमाइंडर 5 आया है, फिर रिमाइंडर 1 आया है। ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो है, देखो ये स्टेजेस बनती हैं, ध्यान से पढ़ना सभी ने ये। वट हैव यू नोटिस्ड, इसमें हमने क्या नोटिस किया है, सबसे पहला कि अगर रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑन स्टार्टिंग रिपीटिंग दैम सेल्फ, कि कुछ स्टेज के बाद तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है, और नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर 10/3, और इफ़ द रिमाइंडर रिपीट वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द क्वेश्चेंट। जैसे इसमें बोला है कि रिमाइंडर अगर सेम आता है रिमाइंडर हर टाइम 1 1 1, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो भी सेम आएंगे 3 3 3 3। तो ये कुछ बातें हैं और इनसे रिलेटेड हमने आपको बात बताई है। अब केस हमारे पास क्या बन जाते हैं, केस एक तो ये बन जाता है, केस फर्स्ट में क्या है कि अगर रिमाइंडर बिकम जीरो, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था सेकंड वाला, ये 7 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर जीरो, ये वाला केस है फर्स्ट वाला। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है कि अगर जैसे एग्जांपल दिए, एग्जांपल 7/8 में अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो आफ्टर सम स्टेप्स द डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 रिजल्ट, जैसे 1/2 है इन ऑल स्टेजेस में, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स का मतलब ये होता है कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर के बाद जो डिवीज़न हमारी ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट का मतलब रिजल्ट जो है रिमाइंडर का जीरो आ जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी विल फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन सच एज ए नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग बन जाता है। टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग यही होता है कि कुछ स्टेप के बाद हमारे पास जो डिवीज़न हो जाती है कंप्लीट हो जाती है और रिमाइंडर जीरो आ जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कुछ केस ऐसे होते हैं कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बनता तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 10/3 1/7, 10/3 को हमने डिवाइड किया तो 3.333, अभी एग्जांपल कराया था मैंने, 1/7 को डिवाइड किया 1 4 2 8 5 7, इसके बाद दोबारा से फिर 1 4 2 8 5 7, दोबारा फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीटिंग वर्ड चलता रहेगा ये। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इन केसेस में रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो इसमें हमारे पास केस बन जाते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब हमने देखना है, रिपीटिंग का मीनिंग ये है कि रिमाइंडर बार बार वही आता है, और डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिजल्ट बार बार वही आता है, अगर वही आता है तो रिपीटिंग है, अगर वो नहीं आता है तो नॉन रिपीटिंग है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गई होगी स्टेज जो केस वन है। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं, रिमाइंडर नेवर बिकम्स टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता, इस तरह के केस बन जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, जैसे जहाँ पर गिव द एग्जांपल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग डेसिमल है, ये डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीटिंग नंबर है ये। अब देखो हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर, हमने जो भी नंबर रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर हमने बार मार्क्स करना होता है। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको और आपको बात क्लियर हो जाएगी, बार का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल सोल्व करके दिखाया था, उसमें रिजल्ट आया था 3.3333 एंड डैश डैश डैश, इसका मतलब नंबर 3 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ, इसका मतलब 3.3 बार, जो नंबर रिपीट होता है उसी के ऊपर आपने बार मार्क्स लगाना है। अगर किसी क्वेश्चन का जो रिजल्ट अभी आया था, जैसे हमारे पास 1/7 का जो रिजल्ट था वो था हमारे पास 0.142857, दोबारा फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इसका मतलब ये सभी के सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 4 के बाद, 1 4 2 8 5 7, इट मीन्स जो रिज़ल् ट बनेगा 0.142857 बार। बार का मीनिंग हमारे पास यही है कि जो नंबर रिपीट हुआ है
उसके ऊपर हमने बार मार्क्स लगाना है, इसका मतलब वो नंबर रिपीट है। जैसे किसी नंबर, किसी का रिजल्ट हमारे पास ही आता है 7.14141414141414-, तो हमारे पास इसका इसका मीनिंग क्या हुआ, 7.14 बार, क्योंकि हमारे पास 14 रिपीट हुआ है बार बार, तो 7.14 आएगा हमारे पास ये। और ऐसे ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे डेसिमल एक्सपेंशन में हम एक्सरसाइज को लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसके अंदर हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जैसे 36/100 है ये, 36/100 है, 36 इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 36/100 का मीनिंग ये है कि 36 को आपने 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब टू डिजिट है, ज़ीरो के बाद यहाँ पर बन जाएगा 0.36, ये तो टर्मिनेट हो गया पहले से क्योंकि ये रिज़ल्ट पूरा पूरा आ गया इसमें, डेसिमल के बाद 36 नंबर रिज़ल्ट पूरा हो गया, तो पॉइंट अब हमारे पास जब स्टॉप ही हो जाता है तो डेसिमल के बाद, तो रिज़ल्ट क्या हुआ ही टर्मिनेट हो गया। अब जैसे 1/11 है, 1/11 आपने 1 को 11 से डिवाइड करके देखना है, जब डिवाइड करके आप देखोगे जो भी रिज़ल्ट आएगा, आप अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसमें तब तो टर्मिनेट हो जाता है ये, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता फिर टर्मिनेट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई सभी को कि अगर आपके पास 1 को 11 से डिवाइड करना है, जैसे 0 पॉइंट हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा इसका, अगर रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये टर्मिनेट हो जाता है, अगर डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा चलता ही रहता है तो नॉन टर्मिनेट है ये, तो सिंपल सी बात है हमारे पास। और एक्सरसाइज के आपने सेम क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन सेम है, इनको तो आपने डिवाइड करके चेक करना है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कर लेना इसको सॉल्व करके। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि यू हैव दैट 1/7, ये तो हमारे पास एग्जांपल भी है, हमने इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लेना ये 1/7, 1/7 को जब डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.142857, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी भी गई है, क्वेश्चन में दी गई है इसकी वैल्यू। और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमारे पास 1/7 की वैल्यूज दी गई है, और आपने जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को सोल्व करना है विदाउट, एक्चुअली विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो हमारे पास दिया है 1/7 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.142857 बार, ये 1/7 की वैल्यू है। आपने निकालनी है 2/7 की वैल्यू, 2/7 को निकालने के लिए 2 को अलग करो इसमें से, जैसे 1/7 इंटू 2 कर सकते हो आप इसको, 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है ऊपर से देखो 0.142857 इंटू 2 करोगे, क्योंकि जो ये वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू तो 1/7 की है, इसको सोल्व करो 2/7 = 14, 2/5 = 10 +1 = 11, 2/8 = 16 +1 = 17 और 2/2 = 4, 5 2/4 = 8, 2/1 = 2, ये हमारे पास बन जाता है 0.285714, ये हमारे पास वैल्यू आई है 2/7 की। ऐसे अगर आप 3/7 निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 1/7 × 3, 1/7 की वैल्यू 0.14857, ये 1/7 की वैल्यू है, यहाँ पर आपने पुट कर दिया और इनटू 3, इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देना, और जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने के ऊपर आपने बार लगा देना। ऐसे 4/7 की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 1/7 × 4 और 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार इनटू 4, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है और जो रिज़ल्ट आएगा 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आए उसके ऊपर बार मार्क्स लगाना है आपने, और ऐसे आपके पास 5/7
और 6/7 ये वैल्यूज आती चली जाएंगी, आपने इनको सोल्व करना है। 1/7 इंटू 5, 1/7 इंटू 6, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, आपके पास 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857, आपने 2/7 की निकालनी है, तो उसमें से 2/7 का मीनिंग 1/7 इंटू 2 कर सकते हो, 2 है तो 2 कर सकते हो यहाँ पर, तो ये 1/7 की वैल्यू दी गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। इसके ऊपर बार लगाना है आपने इसे। 3/7 के लिए आपने क्या करना है कि 1/7 इंटू 3, 1/7 की वैल्यू पुट करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4/7 के लिए इसको 1/7 इंटू 4 करना है, तो 1/7 इंटू 4, 1/7 की वैल्यू और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे 5/7 के लिए 1/7 इंटू 5, 1/7 की वैल्यू, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे आपके पास आंसर आते चले जाएंगे और ये सभी वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर। आपने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और जो आपके कराए गए हैं ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और अपनी कॉपी को रेगुलर बनाना है सभी बच्चों ने। और कोई अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में, कोई भी आपको कोई बात पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपना कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपने एक क्वेश्चन आज के लिए काम अपने करना है, और वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखना है और एग्जांपल्स वगैरह देखने हैं और कॉपी बनानी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।